वरुण सूद हाल ही में खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग खत्म करके मुंबई लौटे हैं। पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका से लौटे सभी प्रतियोगियों को फिलहाल इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा गया है, लेकिन सिर्फ वरुण सूद और राहुल वैद्य को ही उनके घर में क्वारंटीन होने की इजाजत मिली है। साउथ अफ्रीका से लौटे वरुण को मुंबई में स्पॉट किया गया, जिसके बाद इस अभिनेता को सोशल मीडिया पर अब ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल वरुण एक बाइक पर बैठे हैं और उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है। दरअसल सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इन सभी प्रतियोगियों को भारत लौटने के बाद क्वारंटीन किया गया। वहीं बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक इनमें से किसी भी प्रतियोगी को अपना क्वारंटीन का समय खत्म करने से पहले घर से निकलने की अनुमति नहीं है। वरुण सूद कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं, इसलिए उन्हें घर पर क्वारंटीन करने की इजाजत मिली थी। वरुण की इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर तो उन्हें ट्रोल कर ही रहे हैं और साथ ही अब इस पर बीएमसी की तरफ से भी प्रतिक्रिया मिली है। बीएमसी के एक अधिकारी ने मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा, हालांकि उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं किया गया था, लेकिन उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं थी। इस स्टेटमेंट से ये साफ है कि वरुण ने अपने घर से बाहर निकलने के इस निर्णय से बीएमसी अधिकारी बिल्कुल भी खुश नहीं है। बीएमसी की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद वरुण ने भी एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए सफाई दी है। वरुण ने कहा, मुझे चोट लगी थी और मैं दवाई लेने गया था। उन्होंने कहा, बहुत लोगों को ये लग रहा है कि मैं जिम गया था, लेकिन मैं जिम नहीं गया था। वेल, वरुण सूद चोट की वजह से स्वस्थ नहीं है, जिस कारण उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रही है।